बाद वली खान साहब, उसके बाद असफंदियार वली खान साहब, उसके बाद अहमद वली खान साहब, शाह नवाज भुट्टो, उसके बाद भुट्टो, उसके बाद नुसरत भुट्टो, उसके बाद बेनजीर भुट्टो, उसके बाद जरदारी साहब, उसके बाद बिलावल। नवाज शरीफ साहब की जो खुशहाली उन्होंने कहा था कि मुल्क में आ रही है और विजन आ रहा है संभालने मुल्क, मीनार पाकिस्तान की बेरब्त तकरीर जो थी वो आप देख लीजिए कि कहीं से कोई विजन लगा हो, कोई रोड मैप लगा। क्रिटिकल लम्हा है, लम्हा यह है कि अपनी गद्दियां अपनी औलाद को देनी है और ट्रांसफर करनी है पावर, इसलिए जान नहीं छोड़ रहे। तो एक तो ना कोई बाबा बड़ा अकलमंद हो हमारा जिसकी तरफ पूरी कौम देखती हो। भट्टी साहब, मैं आपको अर्ज करता चलूं, वो दूसरी बार लड़े थे और इसी का ताना मिला था कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं। और जो ढीले ढीले ना करता हो, चोर दरवाजे पतली गलियों से मावरा हो, जो हर मुश्किल वक्त में भागना जाता। तरफ आप देख रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है पीटीआई के लिए, चाहे रिमांड के अंदर तौसी हो, चाहे केसेज जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बिलावल भुट्टो के वजारत उज़्मा के ख्वाब बिखर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो वजारत उज़्मा के करीब जाते जा रहे हैं, इमरान खान इलेक्शन में जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे, और पीटीआई के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, सारी तितर बितर हो गई। आप में से कौन सी सियासी जमात है जो वाकई 30% नौजवानों को वोट दे रही है, जो वाकई मरूसियत का खात्मा करना चाहती है, जो वाकई पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी उसका कंक्रीट हाल जल्द से पेश करती है? हाईलाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाइव शो में इरशाद भट्टी ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरूसी सियासत को बेनकाब कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ अपनी बेटी को अपनी गद्दी सुपुर्द करना चाहते हैं, इसलिए ये अवाम की जान नहीं छोड़ रहे, जबकि जरदारी अपने बेटे बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के सपने देख रहे हैं, अवाम की इनको बिल्कुल की परवाह नहीं। इरशाद भट्टी ने दोनों पार्टियों के हवाले से ऐसे हकायक अवाम के सामने रखे जिसे सुन के मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये मजीद आगे जाके कोई एक और तो नहीं इन फाइटिंग शुरू हो जाएगी, बुशा बीबी वर्सेज अलीमा खान, अब एक उनकी जमात में भी गिरफ्त का बताया जा रहा है, और अगर ये जो हिकमत अमली पीटीआई तैयार कर रही है ये आपको कितनी मजबूत और मुस्बत पैनल देखिए। सुन्नत जामी पर अमल करते हुए कि दो जुमले उन्होंने मेरे बारे में कहा, और वही दो जुमले, पहले तो मुझे यकीन था कि बिलियों के हकूक उनके नज़दीक कुछ भी नहीं है, वो बिल्लों के उन शदाई हैं और जेलस आज भी फील कर रहे हैं वो उसी बात पे, और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने इस पे बात की, लेकिन जब फोन आएगा तो मैं उनको वो भी बता दूंगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने रेगन को उठा के लाया हमारी सियासत में, पढ़े लिखे आदमी हैं, भाई हैं, कोई बाचा खान साहब, उसके बाद वली खान साहब, उसके बाद असफंदियार वली खान साहब, उसके बाद अहमद वली खान साहब, शाह नवाज भुट्टो, उसके बाद भुट्टो, उसके बाद नुसरत भुट्टो, उसके बाद बेनजीर भुट्टो, उसके बाद जरदारी साहब, उसके बाद बिलावल, और फिर अभी आसफा साहबा की बात, और इसी तरह नवाज शरीफ, मरियम, हमजा, शहबाज। एक तो हमारे जितने भी बूढ़े हैं, नवाज शरीफ साहब की जो खुशहाली उन्होंने कहा था कि मुल्क में आ रही है और विजन आ रहा है संभालने मुल्क, मीनार पाकिस्तान की बेरब्त तकरीर जो थी वो आप देख लीजिए कि कहीं से कोई विजन लगा हो, कोई रोड मैप लगा हो, कोई पॉलिसी हो, कोई रास्ता हो, कुछ भी नहीं। अभी मंशूर बन रहा है दोबारा, तो कोई यानी मैं 17-72, एक तो ये है कि है कुछ नहीं, लेकिन चूंकि इस वक्त बड़ा क्रिटिकल लम्हा है, लम्हा यह है कि अपनी गद्दियां अपनी औलाद को देनी है और ट्रांसफर करनी है पावर, इसलिए जान नहीं छोड़ रहे। तो एक तो ना कोई बाबा बड़ा अकलमंद हो हमारा जिसकी तरफ पूरी कौम देखती हो, और जो ढीले ढीले ना करता हो, चोर दरवाजे पतली गलियों से मावरा हो, जो हर मुश्किल वक्त में भागना जाता हो, या जो खड़ा रहता हो आवाम के साथ, या जिसके माइंड सेट में लफ्जों में पार्टी में जमहूरियत हो, तो फिर भी उस बाबे की तरफ देखे। कोई है ही ऐसा बाबा नहीं, तो और ऊपर से चिमटे हुए तो वैक्यूम के अंदर अब अमली जामा, अब देखना एक सेकंड, एक तरफ ये तजादात और वैक्यूम है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है पीटीआई के लिए, चाहे रिमांड के अंदर तौसी हो, चाहे केसेज जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हो, ईसीएल में नाम डालने की बात हो, तो बुरहान फिर किस तरह पुर होगा, इसके उसका फायदा कौन उठाते हुए आपको देख रहे हैं? देखें उसकी उसका फायदा बुनियादी तौर पे देखें कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, ये कोई आपको इनकलाबी नहीं लग रहे या कोई इनको ज्यादा जमहूरियत की फिक्र नहीं पड़ी हुई, ये लग रहे हैं इनका ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो के वजारत उज़्मा के ख्वाब बिखर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो वजारत उज़्मा के करीब जाते जा रहे हैं, जो कल तक एम क्यू एम बुरी थी इमरान खान के साथ वो आज इनके साथ अच्छी, जो कल तक बाप बुरा था वो आज इनके साथ अच्छा, जो इलेक्टेबल लोटे जो थे वो बुरे थे, इख्तदार में पहुंचने का मरहला पूरा करना है ना बस। अब एक जुमला अर्ज कर दूं अगर इजाजत दें मेयर बुखारी साहबा। जी जी, भट्टी साहब ने जो मुझ पर तनकीद की मेरे रिमार्क्स के ऊपर, असल में वो मेरे मंतक की ताइद फरमा रहे हैं, अगर खुद से दोबारा उन्हें सुने और नाज़रीन सुन रहे हैं,
मैंने यही तो आपसे अर्ज की कि जिस बाबे के पास, चाहे वो रेगन था या कोई और, मैनिफेस्टो था, सोल्यूशन था, उसे लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली एंड ही वॉज नॉट फाइट कंटेस्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। भट्टी साहब, मैं आपको अर्ज करता चलूं, वो दूसरी बार लड़े थे और इसी का ताना मिला था कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं। जानी अंडरस्टैंड दिस कि जब सर जब बिलावल बात करते हैं कि खिदमत और मेहनत की बजाय जाती दुश्मनियों पे फोकस किया नून लीग ने, ही इज ऑल्सो टैपिंग इनटू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो आज जाती दुश्मनियों के ऊपर बिलक रही है, गुस्से में फट रही है। वो पीटीआई का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कि जिसको वो कहीं ना कहीं कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तो जाति दुश्मनियां नहीं लेते, ये जाति दुश्मनियों वाले लोग हैं। इस वक्त अपोजिशन असली अपोजिशन बनने के चक्कर में, और यकीन करें इलेक्शन हो जाते हैं, इनको जरूरत पड़ती है दोबारा इकट्ठे होकर हुकूमत बनाने करेंगे, हाँ, कर लेंगे। तो ये अगर इलेक्शन के बाद इनको जरूरत पड़ी इकट्ठे होने की तो जरदारी साहब जाएंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो बिलावल वही इनकलाबी बन के खड़े होंगे। तो ये गुड कप बैड कप। अब भाई पीटीआई, पीटीआई 9 मई के बोझ तले दबी, आपको पता है हालात का जबर 9 मई और बाकी सारा। इमरान खान इलेक्शन में जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे, और पीटीआई के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, सारी तितर बितर हो गई। इस मरतबा आप देख लीजिएगा, सारा इलेक्शन घूमेगा हामी इमरान, एंटी इमरान, और उस एंटी इमरान की सिंपथीज भी ड्रॉ कर रहे हैं बिलावल। हाँ, तो वो नहीं कर पाएंगे। पूरे तमादी में सबसे आगे मियां साहब हैं। मैंने आपसे किया था कि बिलावल असल में उस सियासी खला को पूर करने की कोशिश करें जिसकी वजह से यूथ को टैप कर रहे हैं उस डेटा को। और दूसरी अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी तो यूथ के नाम पर पॉपुलर हुई थी ना, 2011 का जलसा आप देखें, यूथ को मोटिवेट उन्होंने किया था, सोशल मीडिया को सबसे बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल में लेके आए, अपनी रीच उन्होंने बढ़ाई, अपने मगर जानी पुराने पुराने सियासतदानों। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि क्या हुआ, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब 2018 के चुनाव में गई तो क्या अपने वादे के ऐन मुताबिक जनाब इमरान खान साहब नहीं चले ना, नए चेहरे मुतारिफ करवाए नहीं करा, फिर हसबे मामूल इलेक्टेबल्स के ऊपर उन्होंने तकिया किया जब जहांगीर तरीन सब जहाज भर के लाया करते थे, और अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि तब्दीली लाना चाह रही है निजाम में, वो भी वही काम नहीं कर रही, वो भी इलेक्टिबल्स के ऊपर नहीं रहता। नून लीग कौन सी तब्दीली लाना चाह रही है, आपने कहां से सुन लिया उनका कोई तब्दीली का नारा? मैंने आजराय तफन ये झोला बोला है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहां पे यूथ की बात कर रहे हैं, नए चेहरों की बात कर रहे हैं, नई सियासत की बात कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि पूरे सिंध में जो टिकट्स मिलती हैं, जो उनके अंकल्स हैं, उनकी वादा खुद अंकल से मोहतरमा शहीद रानी जो है अंकल से नारा रहती थी, लेकिन क्या हुआ, वही अंकल आसपास हैं। देखिए इस वक्त तो चार पांच, मगर मेरा एक सवाल, चार पांच इफ्स एंड बट्स हैं। एक सिर्फ नंबर वन के 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तरीके इंसाफ के सारे बल्ला इंतखाबी निशान होता है जो कल जिसका हो जाएगा पता चल जाएगा। नंबर टू कितने दिख रहे हैं आपको इनको बल्ला? हाँ मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका था, पता नहीं अब उसके बाद क्या फैसला कर ले। नंबर टू क्या तरीके इंसाफ तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े कर लेगी? नंबर थ्री तरीके इंसाफ जो 5 करोड़ वोटर है 18 से 35 साल के, वो निकल तरीके इंसाफ का जो वोटर है वो निकलेगा इलेक्शन वाले दिन। ये 3-4 इफ्स एंड बट्स हैं। अगर ये सारा यस हो गया तो तरीके इंसाफ एक काबले जिक्र साइज में जाती नजर आती है इस असेंबलियों में, और अगर इसमें से कोई ना यस हुआ तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या फिर हंग पार्लियामेंट से वो मिल मिला के बन जाएंगे या फिर अकेले बन जाएंगे। पुरानी और नई सियासत की बात जो बिलावल कर रहे हैं, क्या जिस इंतहा की बदएतमादी और पोलराइजेशन अभी सियासत में है, क्या नई सियासत की गुंजाइश भी है? अहम वजह उनके इस बयानिए की, वो एक सियासी खला है जो इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी की वजह से पैदा हो रही है, उस खला को पुर करने की वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं उस डेटा की बुनियाद पे। लेकिन इसके पैरेलल दो ऑब्जेक्शन भी है मुझे उनकी इस तकरीर के ऊपर। वो ये है कि जहां तक भट्टी साहब जिक्र करते क्लिंटन की बात या ओबामा की बात करते, भट्टी साहब शायद भूल गए हैं कि 84 में जो अमरीकी इंतखाबात हुए थे रेगन के, तो प्रॉबेबली आई माइट बी मिस्टेकन, वॉल्टर मोंडेर थे उनके मुकाबले में जो कि डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने एक स्पीच में रेगन को बुजुर्ग होने का ताना दिया था। देन व्हाट हैपेंड, रेगन के पास एक पॉलिसी थी, रेगन के पास एक मैनिफेस्टो था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की थी। तो ऐसा नहीं है कि कतरे बतरे हो जाएं तो आप फारिग हो जाते हैं। मसला ये है कि ये नैरेटिव जो अच्छे या बुरे या फेक या रियल होते हैं, ये तो आप बेच के पाकिस्तानी सादा लोग आवाम को अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे अभी या पहले उससे पहले। आप में से कौन सी सियासी जमात है जो वाकई 30% नौजवानों को वोट दे रही है,
जो वाकई मरूसियत का खात्मा करना चाहती है, जो वाकई पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी उसका कंक्रीट हल जलसे में पेश करती है, नन। तो ये नारे खोखले हैं। और जहां तक बिलावल नई सियासत और नई क्यादत की बात कर रहे हैं, आज वो चित्राल में खड़े होकर खुद कह रहे हैं कि ये मेरी खानदानी सीट है और मैं तो कहूंगा मोहतरमा आसफा यहां पर इलेक्शन लड़े। तो ये है नई सियासत। और फिर नई सियासत कराची के मेयर के इलेक्शन में कहां चली गई थी, जहां पे मुर्जा बहाब का मुकाबला नईम रहमान साहब के साथ था। तो वहां क्या नई सियासत का आपने इजहार किया था या आपने पुरानी रिवायती सियासत के जरिए जोड़ करके उसको उनको शिकस्त दी? तो अगर ये सारी बातें जो तजादात अजमल जामी हाईलाइट कर रहे हैं, अगर वोटर ये तजादात से आगाह है और उनको पहचानता है और बेदार वोटर है, समझता है इन चीजों को, तो अगर पीटीआई इस बोरान में या इस वैक्यूम के अंदर वुकला को सामने करे, नौजवानों को, अननोन फेसेस को सामने करे, यंगर की आदत बना की सूरत सामने लाए, जी डू वांट टू ऐड समथिंग क्विकली जामी? मैं वही इसी अब आखिरी नुक्ते के जाने में आ रहा था। बिल्कुल, देखिए इसमें अलीमा खान साहिबा का किरदार इंतहाई अहम मुझे लगता है, अगर उनको वाकई वो किरदार तफ्तीश किया जाता है। क्योंकि अब माजी में आप देखें, जब भी किसी सियासी जमात की जो आला क्यादत है वो बिहाइंड दी बार गई है या पेरोने मुल्क गई है या किसी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो किसी ना किसी को नज्म व नक्श दिया जाता है ताकि पार्टी चले और उसके बिहाफ पे एतमाद किया जाए। अलीमा खान साहिबा का किरदार अहम होता मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो खुद मैदान में आए या ना आए। और वही इस बात की, उनके जो करीबी हल्के हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो इस बात की तस्दीक करते हैं जो आपके सवाल में जुमला था कि उनकी प्लानिंग लॉयर्स के ऊपर बैंक ऑन करना है। चाहे वो आप शेर अफजल मरवत को केपीके में एम्पावर होता देखें या यहां पंजाब में आप देखें लतीफ खोसा या सलमान अक्रम राजा या दीगर एडवोकेट्स हैं, वो आप इस चीज को कन्फेस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि दे आर अप फॉर द इलेक्शन। उसमें एक मसला हम ये हो जाएगा कि कवरिंग कैंडिडेट अगर आप 8 खड़े कर लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले कोई कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो वो कवरिंग कैंडिडेट जो है वो बल्ले के इंतखाब पे क्या लड़ सकेगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिव फिर साइंस आपको दिए जाते हैं। और क्या गारंटी है कि कागजात नामजदगी आपके जिस कैंडिडेट के ऊपर आप बैंक ऑन कर रहे हैं वो मंजूर हो जाए? स्ट्रेटेजी फॉर नाउ तो बड़ी काबिल अमल दिखाई देती है, लेकिन क्या तमाम हलकों में ये सलमान अकरम राजा जैसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको वो वसूख चाहिए जो इमरान खान साहब की मौजूदगी में अलीमा खान साहिबा के साथ या किसी और के साथ पे हो, ताकि वो अवेलेबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही हो जिसकी बुनियाद पे राहें कुशादा हों। अभी तक तो पीटीआई की आला क्यादत मकबूल है या नहीं है ये बात की बात है, उनके साथ यूथ है, बिल्कुल है। अभी तक पीटीआई की आला क्यादत जो है वो डेड एंड पे लेके गई है पॉलिटिकल सिचुएशन को। सियासतदान जो होते हैं वो मगर मुझे इजाजत ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इक्तदार में पहुंचने के लिए कभी एमक्यूएम के साथ इतिहाद कर रहे हैं तो कभी बाप के बाप बल्कि उसके बाप के कंधों पे बैठ के आना चाहते हैं, जबकि इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए ताकि इनका मुकाबला करने वाला कोई भी ना हो और ये अवाम की एक मरतबा फिर दुर्गत बनाने के लिए अवाम पर मुसल्लत हो जाएं। लेकिन अवाम इस टाइम बेदार हो चुकी है और वो अपने कप्तान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही वज़ीर आज़म देखना चाहती है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।